हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल नवाज के मस्ती ब्लॉग पर। आइए आज आप लोगों को मैं लाल मटिया के जो कोयला खदान है अभी मैं मौजूद हूँ लोहंडिया बाजार में, जो कि देख लीजिए कि किस तरह से ये है। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा क्या है, कैसे घर टूटा है, क्या है, किसको मुआवजा देती है कि नहीं देती है। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। तो इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए या मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाल मटिया के खदान में, इससे जैसे भी वो बहुत ही नीचे हैं। बाकी नीचे पानी के नीचे जो काला काला दिख रहा है वो कोयला है। बाकी इसको भी ऊपर जो जैसे भी लगी हुई है, इसको भी उस गड्ढा करने के लिए जैसे भी लगा हुआ है। और आप देख लीजिए किस तरह से घर तोड़ा गया है, वो ईंट दिख रहा है और नीचे भी कोयला दिख रहा है, वो काला काला जितना भी है वो कोयला है। बाकी आप लोग देख लीजिए जैसे भी के लिए गड्ढा करने के लिए है, जो कि और गड्ढा करेंगे और उसके नीचे से कोयला निकालेंगे। ये फोर्स और है, देखिए सुरक्षा गार्ड और उसकी गाड़ी है, लोग देख सकते हैं। पानी नीचे से है और इसमें बिजली का सुविधा दिया गया है। आप लोगों को दिखा दूँ मैं ये किस तरह से है, देखिए किस तरह से लोकेशन है, क्या अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ। लेकिन ये सब देखिए पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया है लोगों का। देखिए कहाँ से फटा है, किस तरह से हो गया। आप लोगों को आगे चल के दिखा रहा हूँ किस तरह से आप लोग ये फटा हुआ देख सकते हैं, किस तरह से कभी भी वो गिर सकते हैं। इसलिए आइए देखिए जैसे भी वो रास्ता बंद होने में लगे हुए हैं और वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। देख लीजिए ये देखिए किस तरह से फट गया आगे, इस वजह से आगे कभी भी गिर सकता है। लेकिन किसी को इधर आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। देख लीजिए अब लोग देख सकते हैं किस तरह से है। देखिए फ़ोटो शूट करने के लिए भी यहाँ मौजूद है लोग, और फोटो या आता है लोकेशन पे फ़ोटो शूट कराने के लिए। आप लोग ये घर जो देख रहे, देखिए एक जो गिरा हुआ घर दिख रहा है, इस पर घर था पहले जो कि गिरा दिया गया है। आगे चलकर मैं और भी दिखाऊंगा। देखिए ये टूटा हुआ घर है, ये मंदिर है जो कि तोड़ा गया है, टूट जाएगा। और देखिए ये गिरी हुई जितने छाया है सब घर गिर गया है, तोड़ा गया सबको और दूसरे जगह दे दिया गया है। ये लोहंडिया बाजार में दिया है, बात करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं, देखिए किस तरह से तोड़ा जाएगा इसको। इसके नीचे भी शायद कोयला है। अभी हम बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? तो यह जो ये तोड़ा जा रहा है तो इस लोगों को मुआवजा देता है क्या? यहाँ घर तोड़ा जा रहा है आगे, तो सरकार इसको पैसा देती है? देखिए भैया तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी दूसरे भैया से हम बात कर रहे हैं जो कि यहाँ के आपका घर है। ना, ना, क्या नाम है आपका? पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या यहाँ जो घर जो तोड़ा जा रहा है तो इसको सरकार मुआवजा देती है? जो से बोलिए, इधर थोड़ा चेहरा कीजिए। कितना देता है अगर घर तोड़ा जाता है, कितना देता है? कितना मिलता है सबका अलग अलग। आपका तो अगर यहाँ आपका घर है जो कि तोड़ा जाएगा, देखे उधर से आते हैं कि तोड़ा जा रहा है, तो कितना देता है दूसरे को, कहीं कहाँ जगह देता है यहाँ से? वो सब तो गांव वाला बता पाएंगे, हम पाएंगे। आप भी बाहरी है तो इसको भी कंफर्म पता नहीं है, तो जो कि बाहरी है तो फिर मैम तो किसी और से गाँव वाले से अंदर जाके बात करेंगे। बाकी अभी फिलहाल हाँ फिलहाल मैं अभी दिखाऊँगा, ये मंदिर है, देखिए किनारे मंदिर है, हो सके इस भगवान का भी घर ना चला जाए। बाकी अभी दिखा रहा हूँ आगे से किस तरह से है। अभी देखिए यहाँ से भी कोयला निकाला जा रहा है, यहाँ का देख लीजिए लोकेशन। यहाँ भी बिल्डिंग थी पहले, ऐसे दिख रहा है कि यहाँ भी देखिए पेंट किया हुआ है, यहाँ भी बिल्डिंग थी पहले और तोड़ा आ गया है यहाँ। अब कहाँ दिया क्या दिया ये पता नहीं, बाकी तो अभी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ गाड़ी लगी हुई है
देखिए कितना ये खोदने वाले कितना का है, ये गाड़ी है आप लोग, ये पूरा नज़ारा जो कि ललमटिया के लोहंडिया में है। कितना नीचे गहराई से ये जो दिख रहा है ना वो कोयला ही है, जो कोयला का चूर उसके नीचे से कोयला निकाला गया है। यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं पूरा, अभी फिर इधर से मौजूद हूँ मैं भोला के गांव में, या ये बड़ी भोला है, यहाँ मैच हो रही है। और अब देखिए किस तरह से वो डंपर आ रहा है, डंपिंग के लेके वो कोयला लेके आ रहा है। देखिए देखिए इस बार कोयला शायद क्या है, देख लीजिए अभी कितनी गहराई में हुआ है, खाली है ये खाली करके आई। देखिए बालू लेके मतलब शायद रोड बंदी होगी जो कि बालू लेके ये आ रहा है और ये खाली करके जा रहा है। देखिए इधर शायद रोड है और देखिए अब लोग दिखा दो क्या है, इस पर मिट्टी है बालू, ये बालुवाही मिट्टी है जो कि वहाँ आगे रोड बनेगा, आगे कोयला लेने के लिए कोयला है। तो देख लीजिए किस तरह से इसमें कोयला निकाला गया है, पूरा कितनी गहरा गहरा करके और कोयला निकाल के इसको छोड़ दिया है। इसे आगे देखिए पहाड़ बना दिया गया है, किस तरह से कोयला खदान आ गए हैं, ये देख लीजिए पोकलैन कितना बड़ा है। आइए आप लोगों को, ये अभी रास्ता बन रही है जो कि दूसरा ये यहाँ से कोयला निकाला जाएगा। आप लोग ये घर देख लीजिए, घर पूरा तोड़ा गया है। अब लोगों को दिखा दूँ कि ये देखिए काला काला जो है वो कोयला निकलेगा, अब यही से कोयला निकाला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये अभी एरिया है जो कि यहाँ से निकाला जाएगा कोयला। आप देखिए पूरा आपको आगे से दिखा दूँ इस तरह से ये घर बहुत ही कलर किया हुआ, पूरा बिल्डिंग गिरा दिया गया है, जैसे कि अभी गिराया ही जा रहा है। देखिए पूरा यहाँ से दिखा रहा हूँ किस तरह से कितना अच्छा यहाँ था बिल्डिंग और गिरा दिया गया है। यहाँ से उधर से भी रास्ता बनाया जा रहा है जहाँ के आपको कोयला निकाला जाएगा और वहाँ से जाएगा, देख लीजिए आप लोग, आपको दिखा दूँ जो कि झारखंड गोड्डा जिला के महागामा थाना ललमटिया थाना अंतर्गत ललमटिया में है जो कि बौराक में पाया जाता है। और यहाँ बगल में फील्ड भी है जो कि लोग खेल रहे हैं अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, देख लीजिए ये है ललमटिया। देखिए किस तरह से ये अपने डंपर ये खाली करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ से वो खोदा जा रहा है वो मिट्टी लेके उधर से फिर यहाँ, देखिए यहाँ डंपिंग के लिए यह कोई तक कुछ जा रहा खोदा जा रहा है, यहाँ से फिर ले जाके ऐसे रास्ता है जो कि वहाँ फिर बाहर फेंका जा रहा है। वहाँ देखिए बहुत दूर बाहर फेंका जा रहा है, देखिए यहाँ से 1 किलो 2 किलोमीटर दूर पे जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है और इधर से जाके मिट्टी वहाँ देखिए वहाँ फेंका, जो पहाड़ दिख रहा है आपको छोटा वो देखिए वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ मिट्टी फेंका जा रहा है, इधर से घुमा के रास्ता घुमा के आप देख लीजिए यहाँ से मिट्टी खोदा जा रहा है। आप दिखा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ खोदा जा रहा है और यहाँ से लेकर ऐसे घूम घूम के ये रास्ता घुमा के, और देखिए वहाँ और जाके अरे वहाँ जो आपको दिख रही है छोटा सा अभी यहाँ मिट्टी फेंका जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैं अभी और नज़दीक आ गया हूँ जो कि नीचे से कोयला ले चुका है वहाँ से, देख लीजिए अभी मैं मौजूद हूँ बड़ी भोलाई में जो कि मैं अभी लगभग 150 फीट नीचे हूँ और भी यहाँ से 100 फीट नीचे ये जेसीबी है। और देखिए बहुत दूर दूर में वो गाड़ी जो कोयला लेकर जा रहे हैं और जो वहाँ गोलघर की तरफ जहाँ से वो ट्रेन पे चढ़ाएंगे कोयला,
देख लीजिए ये पूरा खोते खोते किस तरह से गड्ढा करते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। यह सब कोयला ही कोयला है, जितना काला है वो कोयला ही है, और जो जैसे भी लगे हुए हैं। कि किस तरह से 200 फीट गहराई से सर पे एकदम बगैर रास्ते, रास्ता भी कितना कंजस्टेड है, क्या कैसे है। और ये सब लेडीज सब 50 किलो लगभग एक बोरी में होगा, और इसमें डेली में होगा, और लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, और इसी को यहाँ साइकिल वाले को देते हैं जो कि हमारे यहाँ साइकिल पे आते हैं। तो ये देख लीजिए 200 फीट गहराई में ये जैसे भी सब है, आप लोग देख सकते हैं। कोयला कहाँ से लेके आ रहा है, वो नीचे से कोयला लेके आ रहा है, और यही सब बेचता है जो जो साइकिल पे जाती है गाड़ी, उठ यहाँ से गोदाम में। ये देखिए कितना मुशक्कत के साथ कोयला लेके आ रहा है, आप लोगों को दिखा दो जो कि ये सब कोयला लेके आ रहा है। ठीक है, ऊपर आते हैं, देख लीजिए किस तरह से खतरनाक रास्ता है, आप लोगों को दिखा दूँ। ये पूरा खाई है और इधर पहाड़ है, पूरा खाई और पहाड़। देख लीजिए नीचे ये पूरा खोदने के लिए लगा हुआ है मशीन, आप लोगों को दिखा दूँ। मैं दिखाते चलूँ क्योंकि कोयला है यही निकालता है सोना, ही ये काला हीरा जो देख लीजिए पूरा मशीन है।